व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए यूरो ट्रक सिमुलेटर गेम प्ले के वीडियो में। आज दोपहर से हम लोग यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 में इंडियन वाला कार चलाने वाले हैं। पहले के वीडियो में बस चलाया था, पर आज हम लोग चलाने वाले हैं कार, और सबसे फेमस कार चलाने वाले हैं। इंडिया में सबसे फेमस कार है, ये तुम लोग को नहीं पता भाई? तुम लोग जाके देखो यार, इंडिया में टोयोटा फॉर्चूनर, ये वाला नहीं भाई, मैं बगल वाला नहीं दिखा रहा, ये वाला दिखा रहा है, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना तुम लोग को, ये थोड़ा सा रेडिश और ब्लैक कलर का थोड़ा सा टोन रखा हुआ मैं, जो ये कलर एकदम तगड़ा लग रहा है भाई। देखो यार पीछे से भी दिखा रहा है, देखो ये थोड़ा सा ना, थोड़ा जो रिफ्लेक्शन आता है ना उसमें थोड़ा सा, ये देखो रेड वाला दिख रहा है, क्या लग रहा है ना, मस्त एकदम। तो आज हम लोग इसको डेंजरस रोड पे चलाने वाले। पिछले वीडियो में मैं एक वॉल्वो का 9600 चलाया था, उसको मैं राजनांदगांव से जगदलपुर तक लेके आया था। अब उसको जगदलपुर से हम लोग आगे जाना है, तो ये हाँ मैं जगदलपुर पे अभी खड़ा हूँ। अब इसके आगे और थोड़ा सा घाट वाला रोड आने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि देखो जगदलपुर तक के तो ज़्यादा एकदम घाट नहीं था, था बहुत सारा घाट वाला रास्ता था, पर अभी डेंजरस वाला और आगे बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग को कम्प्लीट करना है, क्योंकि आधा किए थे हम लोग बस को, बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ था हमारे बस में। तो वो वाला वीडियो जाके जल्दी देख लो, और पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कैसा लगा वीडियो। तो चलो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, और मैं अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ ना, अंदर का इंटीरियर भी एकदम भाई जबरदस्त लगता है, ये देखो भाई। और टाइमिंग बताता नहीं है यार, ऑब्वियसली टाइमिंग बताता नहीं है, और ये देखो सब बटन एकदम फंक्शनल है। और यहाँ पे और क्या दिखा सकता था मैं, ये वाइपर भी दिखा रहा हूँ, वाइपर भी फंक्शनल है। तो कहाँ के वाइपर, आए आए, वाइपर काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको। और ये इंडिकेटर इंडिकेटर सब चलता है। अच्छा मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं किया, अबे तू थोड़ा सा, ओके ओके ठीक है, अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया भाई, गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब मैं इसको तुम लोग को एक बार आगे बढ़ाता हूँ, रुक जाओ मैं पार्किंग ब्रेक में लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ, अबे पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। और देखो भाई एक चीज जबरदस्त चीज दिखा रहा हूँ, तुम लोग को भी पसंद आएगा वो, ये चीज देखो मैं बजा रहा हूँ थोड़ा। ये मजा नहीं आया, नहीं। अब एक और बात सुनो, ये पुर्षागे, पुर्षागे। ये देखो भाई, इस पे साइरन लगा हुआ है भाई, फुल एकदम माफिया कार लग रही है। तो अब चलो अब आगे चलते हैं, और एकदम डेंजरस रोड पे लेके जाने वाले हम लोग, तो आगे मेरे को थोड़ा सा देख के निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे एक ठो बॉक्स रखा हुआ है, उस पर टकराए ना, बस बस अभी टकरा गया, ले मैं बोल ही रहा हूँ यार, टकराए मत करके दो। अभी भी इसका पिकअप ना थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ना स्पीड नहीं भगता यार इसका, ये प्रॉब्लम तो है। चलो निकल गया निकल गया, बस ऐसे देखो अपने को थोड़ा सा चलाने आया था ढंग से, तो अपन चला लेंगे यार। और यहाँ से हम लोग को इधर मुड़ना है, तो पीछे कोई आ रहा है क्या, कैसे पता चलेगा, मिरर में कुछ दिख नहीं रहा वैसे। ठीक है चलो यार निकल जाएंगे निकल जाएंगे, कोई नहीं आ रहा है, चलो अब आगे चलते हैं। और इस पे स्पीड ज़्यादा है नहीं, एक तो कच्चा रास्ता पे चलता रहा तो ज़्यादा स्पीड नहीं होता इस पे। अरे सेकंड गियर क्यों नहीं लगा रहा है, वो ऑटोमेटिक है ना, तो हाँ ठीक है वो अपने आप लग जाएगा। अब देखो आगे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी लगा हुआ है, देखो वहाँ पे नीचे दिख रहा होगा साइड में, राइट साइड में देखो तुम लोग, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक भी दिख रहा होगा, तो मेरे को इसी साइड चलाना है ना। अरे भाई ये गियर सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, अबे क्या कर रहा है, अबे शुरू में ही ठोक दिया भाई, पीछे का गियर लगा भाई, बस बस ठीक है, रुक रुक रुक, एकदम फट से पीछे हो जाता है यार इसको ना, मेरे को एकदम टच करके बस ये करना पड़ेगा, हो गया। चलो वैसे चलते हैं आगे, थोड़ा सा घाट वाला ज़्यादा रोड आने वाला है, और मेरे को ना थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है बहुत सारा। ये चला भाई हम, और सामने बहुत सारा बस वस भी रुका हुआ है फालतू का, पता नहीं क्यों एक्सीडेंट हो गया होगा कुछ, इसलिए रुका होगा। हम लोग को एकदम ध्यान से चलाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो अपन डायरेक्ट नीचे गिरेंगे, देखो वहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो ट्रैफिक को भी डॉच करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सा ट्रक है, घूमते हुए ना डायरेक्ट पीछे से मारेगा मेरे को, बस ठीक है निकलो अब निकलो, मेरे को आराम से जाना पड़ेगा। और ये लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, हैंग हो जाता है, कि रैम बढ़ जाता है इसका, बस ऐसे पहुँच जा। बाहर से दिखाऊंगा तुम लोग को, बाहर से भी दिखाता हूँ क्या लग रहा है ना, तगड़ा अभी इधर मुड़ा,
चलो सही लग रहा है ना एकदम। अरे क्या दावत तो लग रहा है भाई। और यहाँ पे भाई रोड आगे नीचे देखो भाई, नीचे कैसा रोड है। और वो वाला रोड ना बहुत ज्यादा लंबा तक भी जाएगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हूँ। और ये अभी भी कैसे गिर रहे, ये ट्रक क्यों गिर रहा है भाई? वो तो खाई में गिर गया। ओ भाई क्या हुआ क्या उसका? अबे मेरा गाड़ी ढूंढ रहा है, मेरा गाड़ी ढूंढ रहा है। बच गया बच गया। वो कहाँ गया? नीचे गिर गया भाई, यहाँ पे आके गिर गया। ये देखो भाई, ये लोग तो बचे नहीं होंगे यार। हेलो आदमी कहाँ है? हाँ आदमी तो एकदम सही सलामत है भाई। ये क्या नाटक था भाई? अरे यार तुम लोग जाम मत लगाया करो यार, मेरे को सही नहीं लगता ये सब जाम। रुक जा थोड़ा सा रुक जा, मैं जा रहा हूँ ना। रुकना, हॉर्न क्यों मार रहा है इतना? अब यार रुक जा, एकदम हड़बड़ी लगता है। ओ अभी क्या भगाते हुए आ रहे भाई ये लोग। तो चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। और ये सामने आके क्यों खड़ा कर दिया भाई? थोड़ा सा पीछे हो जाना, रुकना। अब पीछे कर रहा हूँ, रुक, आगे नहीं बढ़ना, बस रुक जा थोड़ा सा, बस सही है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है मेरे को लगता है। वो देखो वहाँ पे उधर जो हरा हरा दिख रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। एक्सीडेंट हो गया लगता है मेरे को वहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं लोग भगाते हुए। और ज़्यादा भी नहीं भगाना है भाई, स्पीड मारता है यहाँ पे, ध्यान रखो थोड़ा सा। ओ बहुत ज़्यादा मोड़ है भाई यहाँ पे तो। और देखो अपने को ना चलाने आ गया भाई, प्रोफेशनल टाइप चला लेता मैं। और एक तो ना कीबोर्ड से चलाओ ना तो उस पर ना अच्छे से चलता नहीं है। पर मेरे पास स्टीयरिंग आ चुका है क्योंकि मैं DIY स्टीयरिंग बना चुका था, तुम लोगों को पता नहीं है तो। DIY स्टीयरिंग है मेरे पास, तो उसमें चलाता हूँ मैं। इसलिए मैं ना एकदम अच्छे प्रोफेशनल टाइप चला लेता हूँ। एकदम फीडबैक नहीं आता इस पर, पर मज़ा आता है इस पर भी चलाने में। रियल स्टीयरिंग टाइप ही चलता है, सही चल रहा है एकदम। बस स्पीड मत हो भाई, मेरे को इस चीज़ का डर है, बस स्पीड मत हो यार। और नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है लग रहा है, क्या पता नहीं क्या हुआ क्या है। इतना क्यों ट्रैफिक लगा के रखे हो भाई? मेरे को थोड़ा सा बस जगह दे देना, मैं निकल जाऊँगा। फिर तुम लोग रुके रहना, पार्टी करना वहाँ पे, मेरे कुछ नहीं करना है वहाँ पे। तुम लोग पार्टी करते रहना वहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो मैं आगे निकालूँ क्या? आगे निकालते हैं चलो, ठीक है। और ना ये हॉर्न बजा देते हैं यार। चलो, मेरे को बस निकलने दो। यहाँ जाम क्यों लगा के रखे जबरदस्त? ये देख पुलिस वाला को भी रोक के रखे भाई। पुलिस वाला कर क्या रहा है? बाहर उतर के थोड़ा सा ये जाम को हटाना यार, क्या कर रहा है भाई? ओके यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो भाई ये आधा लटक चुका है ये, और ये पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है पर कुछ काम का नहीं है वो, जबरदस्ती का बस खड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं। तो फोर व्हील ड्राइव है, देखो भाई क्या स्पीड मारता है यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव के कारण। आगे बढ़ो। चलो भाई अब क्या एकदम जाम लगा के रखे यार तुम लोग। चलो फालतू का है। वो वाले लोग को निकल जाना चाहिए ना भाई, इतना जगह तो है, गैप तो है, निकल जाना चाहिए। देखो मैं कैसे निकल गया, ये लोग फालतू का रुक के रखे। चल भाई कोई बात नहीं, हम लोग निकल लेते, हम लोग को जगह मिल रहा है बस। से निकलते हैं बस, स्पीड मत मारे, ब्रेक मार ब्रो, ब्रेक। इधर टर्न कर, अभी इधर चल। आगे भी ट्रैफिक लगा हुआ लगता है, देखो और बस आ ही चला है वहाँ पे। भाई मत जाओ यार, मत जाओ, तुम लोग अटक जाओगे, तुम लोग वहीं पे रुको, तुम लोग आगे मत जाओ भाई, मैं बता रहा हूँ आगे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। ओके यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अरे आगे तो निकलना पड़ेगा ना मेरा भाई। चलो मेरे को जाने दो, बस मेरे को जाने दो, बस आगे फंसू मत, बस निकल तो जाना चाहिए। वही एक्सीडेंट जैसा हुआ होगा, जैसे पीछे हुआ था ना वैसे ही एक्सीडेंट हुआ होगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ। तो ठीक तो लग रहा है, सही सब तो सही है। ज़बरदस्ती का रुके हुए भाई, कोई काम धाम है नहीं ये लोग को। ये लोग क्या नज़ारा देखने के लिए रुक गए होंगे वहीं पर ही, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और ये लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, एक जन रुका होगा तो पूरा गाड़ी रुक गया वहाँ पे, जबरदस्ती का। रुक
रुक जा आराम से नीचे उतर आराम से, बस सही जा रहे हैं। चलो मैप हटा दिया था, मैप नहीं दिख रहा था मेरे को। ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तगड़ा तगड़ा रोड है ब्रो, ऐसे चलाने में मजा आता है। जब ना अगर वापस आओगे ना तब और मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत स्टीप स्टीप है, यहाँ पे चढ़ाने में भी मजा आएगा। ऐसा घाट में उतारने में तो मजा आ रहा है, पर चढ़ाने में भी मजा आएगा। वो जैसे एकदम ढलान है यहाँ पे ना, मैं छोड़ दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चले जाएगा और आगे जाके डायरेक्ट कूद जाएगा वो, और फिर यहाँ पे स्टंट स्टंट होने लग जाएगा ज़बरदस्ती का, फिर पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, बस ख़त्म हो गया, बस हम लोग नीचे पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बस ठीक है, हम लोग यार प्रोफेशनल ड्राइवर हो चुके हैं अभी, यहाँ पे बहुत पीछे हम लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, हम लोग को चलाने आ जाते हैं एकदम ढंग से। ये हम लोग पहुँच गए अपने स्टेशन पे, पेट्रोल स्टेशन पे। अब हम लोग को यहीं पे रुकना है, आगे तो नहीं जाना है, तो मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, पार्क कर देते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे पार्क कहाँ पे करेंगे, सही से दिख नहीं रहा मेरे को पार्क करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पर ही पार्क कर देता हूँ। बस देखो यहाँ पे बस पार्क कर दिए, तो चलो बस इस वीडियो को बस इतना ही रखा। भाई ये कैसे गाड़ी टूट रहा है, तो देखो भाई कैसा लग रहा है तुम लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर, और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो को यहीं तक के रखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करते हुए जाना, और तुम लोग भाई स्किप करके देखोगे वीडियो को तो मज़ा नहीं आएगा, तो जाके फिर से देखो स्किप मत किया करो। और इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब करते हुए जाओ, और मेरे सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे ETS 2 के मॉड्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। चलो बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।